Assalamu alaikum friends, I am your tax dost and tax host Anthony Williams, and today is 4th of October 2018 and you are watching Tax Dosti Reporting videos. Assalamu alaikum, main hu aapka tax dost aur tax mezban Anthony Williams aur aap dekh rahe hain Tax Dosti Reporting aur har dafa ki tarah hum taxdosti.com ki website se start ho rahe hain. Aaj main aapse share karna cha raha hu Tax Dosti लोगो के बारे में एक स्टोरी की. ये टैक्स दोस्ती का जो लोगो है आप ये देख रहे हैं ये कैसे आए. एज यूजुअल वी आर ऑन taxdosti.com वेबसाइट एंड आई एम गोइंग टू शेयर विद यू द स्टोरी बिहाइंड टैक्स दोस्ती लोगो हाउ इट केम टू बी. अगर आप हमारी वेबसाइट में देखें तो डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स और ब्लॉग और कॉन्टैक्ट करने के अलावा और हमारी वीडियोज़ के अलावा यहाँ पर जो है फ़ोटो गैलरी है और फ़ोटो गैलरी के अंदर जो है मुख्तलिफ आर्टिकल्स और तस्वीरें यूज़फुल इंफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पे दी हुई है. तो यहीं पर जो है क्या कहते हैं टैक्स दोस्ती का लोगो भी मौजूद है. तो अगर आप नोट करें टैक्स जो है लाल में लिखा हुआ है यानी कि ख़तरे का निशान, और दोस्ती जो है उर्दू में जो लिखा है वो उसके साथ कस के बंधा हुआ है, यानी कि आपने एज ए पाकिस्तानी एज ए प्राउड पाकिस्तानी जो है ना आपने टैक्स से भागना नहीं है बल्कि कस के जो है ना टैक्स वालों को और टैक्स को पकड़ लेना है, क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि आप पर उतना टैक्स नहीं बनता जितना आप पे कर रहे हैं और आपके बहुत सारे टैक्स राइट्स हैं जिस पर खामोशी इसलिए है क्योंकि आपको शायद डराया जा रहा है या शायद आपके पास मुकम्मल इंफॉर्मेशन नहीं है टैक्स कवानीन के बारे में. इसीलिए टैक्स दोस्ती रिपोर्टिंग वीडियोस हमने सितंबर के महीने से शुरू की थी 2018 में और अब अक्टूबर है और यह हर रोज़ जो खबर आती है उससे मुतालिक और आपके टैक्स राइट्स के मुतालिक होता है. इफ़ यू विजिट आर वेबसाइट तो यू विल सी डिफरेंट थिंग्स लाइक आर ब्लॉग विच इज़ पोस्टेड डेली, आर कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, वीडियोज, एंड इट ऑल्सो कंटेन्स अ फोटो गैलरी विच हैज़ द टैक्स दोस्ती लोगो in Urdu as well as in English. This tax word is in red and the dosti word, friendship word, is in Urdu, and basically the word dosti, friendship, is clinging on to tax, which means that as a proud Pakistani or as a person doing business in Pakistan coming from China, Europe or any country, you should be with you should not run away from the tax laws and tax information of Pakistan, but rather cling to the information that is provided so that you can know what your tax rights are in Pakistan and you can properly do your business. That is the reason we make Tax Dosti Reporting videos daily, so that you can know what is happening about the tax laws in Pakistan and how are they affecting your rights. Aaj jo hai khabar hai के रिस्ट्रिक्शन ऑन परचेज ऑफ प्रॉपर्टी व्हीकल्स रीइंट्रोड्यूस्ड फॉर टैक्स नॉन फाइलर्स. तो मेरे से आज ही कोई पूछा था कि जी टैक्स नॉन फाइलर्स कौन है. तो टैक्स नॉन फाइलर्स वो हैं जिनकी 4 लाख से सालाना आमदनी ज़्यादा है और वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते. जो लोग 4 लाख से कम इनकम कमाते हैं, 4 लाख सालाना यानी 35,000 से महीने का उनकी आमदनी कम है, तो ना तो उनको टैक्स पे करना है ना उनको टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, और वो टैक्स नॉन फाइलर्स यानी टैक्स नॉन फाइलर्स नहीं है. तो टैक्स फाइलर जो नॉन फाइलर जो है वो शख्स है जिसकी 4 लाख से ज़्यादा इनकम है और साल की, और वो टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करा. तो अब ऐसे लोग चूँकि उनके पास 4 लाख से बहुत ज़्यादा पैसे हैं तो वो प्रॉपर्टी भी ख़रीदते हैं और व्हीकल्स यानी गाड़ियाँ भी ख़रीदते हैं, ट्रक भी ख़रीदते हैं, बसें भी ख़रीदते हैं. तो उन पर दोबारा से पाबंदी लगा दी है. जो असद उमर साहब जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि ये पाबंदी जो है ना रिमूव हो जाएगी. तो इसलिए जो है कि कहते हैं वो जो बजट मिनी बजट दोबारा लाए हैं नेशनल असेंबली में और वो जो अप्रूव भी हो गया है उसमें उन्होंने ये शर्त वापस लगा दिया कि अगर आप टैक्स नॉन फाइलर हैं तो आप जो है ना वो गाड़ी और वो नहीं खरीद सकेंगे, गाड़ी और प्रॉपर्टी. इसमें यह है कि मोटरसाइकिल जो 200 सीसी से कम है और रिक्शा आप खरीद सकेंगे, और अगर आप बेवा हैं, विडो हैं,
तो आप जो है क्या कहते हैं, अगर आपको विरसे में मिलेगा ये गाड़ी प्लॉट तब तो ठीक है, तब तो आपको फाइलर बनने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसके अलावा बाकी सब लोग ओवरसीज पाकिस्तानी को छोड़ के, और बाकी वो लोग जो पाकिस्तान में मोटरसाइकिल 200 सीसी से कम खरीद रहे हैं, जो रिक्शे खरीद रहे हैं, और ऐसी बेवा जिनको उनकी इनहेरिटेंस में माँ बाप से या बहन भाइयों से प्रॉपर्टी मिले, उन सबको अगर वो नॉन फाइलर्स भी हैं तो उनको प्रॉपर्टी यानी 5 मिलियन से ज़्यादा, 50 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी उनको मिल सकती है, वो ख़रीद सकते हैं या उनके नाम पर ट्रांसफ़र हो सकती है, और वो गाड़ियाँ वगैरह भी ले सकते हैं। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानी मोटरसाइकिल लेने वाले, रिक्शा लेने वाले और बेवा, इन लोगों के अलावा कोई भी पाकिस्तान के अंदर शख्स होगा, वो जब प्रॉपर्टी या जो है ना गाड़ियाँ लेगा, व्हीकल्स लेगा, तो उसको जो है ना फाइलर बनने की ज़रूरत होगी, उसको टैक्स फाइलिंग करने की ज़रूरत होगी, उसको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और इसके अलावा उन्होंने और बहुत सारी बातें की, जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम जो है ना 169 ऐसे लोगों को जिनकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं और बहुत सारी उन्होंने ट्रांजेक्शन, माली ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स की हैं, उन सबको नोटिसेस भेज दिए हैं और हम उनको भी टैक्स नेट में लाएंगे। और अगर आपने कल की टैक्स दोस्ती वीडियो देखी है तो हमने एग्जैक्टली असद उमर साहब को बताया कि वो क्यों नहीं इन सारे लोगों से टैक्स ले सकेंगे। आप 3 अक्टूबर 2018 की वीडियो देखें कि वाई FBI विल नॉट बी एबल टू कैच दिस पीपल। सो बेसिकली दिस आर्टिकल इज टेलिंग अस that the restriction has been reimposed on tax non-filers. Now you have to understand that, for example, if you are a company, you have to file your tax return irrespective of your amount, even if you don't earn any income during the year. If you are an individual, business or salaried, and you earn more than 400,000 per year or more than 35,000 per month, then you definitely have to file your tax return. You may not be liable to pay tax, but you have to be file your tax return. And if you are not filing your tax return, you are a tax non-filer. But those people who don't have income more than 400,000 per year or 35,000 per month are not tax non-filers. They don't have to file that tax return, so they are not tax non-filers. So the finance minister, as seen here in the video, this is Dawn News website, the finance minister has reintroduced this condition that only filers can buy property and vehicles in Pakistan. And basically they first introduced the concept, they removed this restriction as imposed by the previous government, but now the mini budget or the supplementary budget of the government has reintroduced this condition, with the exception that overseas Pakistanis, those having a NICOP identity card, overseas Pakistanis and buyers of motorcycles and rickshaws of 200 cc and below, and widows who will not be this law will not apply on them. That means even if overseas Pakistanis or buyers of motorcycle or rickshaw or widows are non-filers, they still will be able to buy vehicles and property over 5 million, that is 50 lakh rupees. For widows, they have given the condition that they property can be transferred or vehicles can be transferred in their name, but only if they inherit it. If they want to buy those properties, they will have to become filers. The news also says that the government is doing a lot of, the tax department is very active, and it has issued the top tax evaders of 169 people notices to file their tax return. And if you have watched our yesterday's TaxDosti reporting video, which was why FBI will not be able to catch these people, and even if they catch them, they will not be able to get any amount of tax from them. So you watch our video from yesterday, that is 3rd October 2018, and you will get the answer. So today we'll be discussing another point
That is, everything that the government does has to be according to the Constitution of Pakistan, that is the Islamic Republic of Pakistan, 1973. आज ये जो खबर हमने आपको बताई, ये आपको बात पता चल गई कि अब आप ले सकते हैं कि नहीं ले सकते प्रॉपर्टी. आज हम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट जो काम भी करती है, वो कोई कानून भी बनाती है, वो आईन के मुताबिक होना चाहिए. और कॉन्स्टिट्यूशन, आईन जो है, वो ही गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए है. वो आवाम को कंट्रोल करने के लिए नहीं है, वो गवर्नमेंट को कंट्रोल का मतलब है कि उनको बता दे कि इस दायरे से आप बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए आवाम की आज़ादी बरकरार रहेगी. वरना गवर्नमेंट तो चाहे तो सब पे टैक्स लगा दे और कह दे कि जितना आप कमाते हैं 100% हमें दे दें, ऐसा वो नहीं कर सकती, क्योंकि उनको आईन यानी कॉन्स्टिट्यूशन रोकता है. तो अभी हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कंस्ट्रेंट्स द गवर्नमेंट not to tax more than a certain percentage or not to tax many things that the constitution has told that they cannot tax, or the federal government can't, or the provincial government can't. So we'll just see that what does the constitution say. ye hai ji islamic jamhooriya pakistan ka, islamic republic of pakistan ka constitution 1973 updated to 2018. and obviously hum jo hai na baat kar rahe hain आपके मेरे पाकिस्तानी सिटीजन्स के बेसिक राइट्स का. तो चैप्टर नंबर 1 शुरू ही फंडामेंटल राइट्स से होता है कि हर बंदे को ये सारे राइट्स अवेलेबल हैं, और हम डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल 23 प्रोविजन एज टू प्रॉपर्टी. सो दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान. एंड एज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान और अ पर्सन रिजाइडिंग इन पाकिस्तान, इट इज दीज, ऑल ऑफ दीज आर योर राइट्स. And we are talking about today Article 23 provision as to property. We'll just scroll down to section Article 23 and let's see what Article 23 says. जी, provision as to property. याद रखें कि उन्होंने पाबंदी लगा दी है गवर्नमेंट ने कि आप अगर नॉन फाइलर हैं तो आप जो है ना 50 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी अपने नाम पर रजिस्टर नहीं कर सकते, खरीद नहीं सकते, और आप जो है ना गाड़ियाँ खरीद नहीं सकते. अब ये देखते हैं कि आईन क्या कहता है. वो कहता है एवरी सिटीजन शैल हैव द राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान. तो कहते हैं कि हर पाकिस्तानी को ये हक है कि वो कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकता है, उसको रख सकता है, उसको बेच सकता है, और पाकिस्तान के किसी कोने में भी वो कर सकता है. तो इस तरह तो जो है, अगर सिर्फ यहाँ तक बात हो तो फिर तो ये जो गवर्नमेंट ने किया है कि जी उन्होंने रोक दिया नॉन फाइलर्स को, तो वो जो है नहीं कर सकते. लेकिन आगे वो कहता है सब्जेक्ट टू. सब्जेक्ट टू का मतलब है कि ये बात जो है बिल्कुल एक असूल है, लेकिन इस असूल में ये जो है ना किया जा सकता है कि सब्जेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर आईन में लिखा हुआ है कि किसी खास किस्म के पर्सन को, यानी किसी खास शख्स को या एरिया को वो लोग नहीं कर सकते, तो वो एंड एनी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय लॉ इन द पब्लिक इंटरेस्ट. यानी कि अगर हुकूमत चाहे कि कुछ लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं और उससे अवाम को नुकसान हो रहा है, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक इंटरेस्ट का मतलब है कि अवाम की बेहतरी के लिए, और ये बहुत कुछ होता है, ये सो मोटो जितने भी लिए जाते हैं चीफ जस्टिस ले रहे हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट में ले रहे हैं. यानी वो अवाम जो खुद तो कोर्ट या कचहरी नहीं आ सकती कि जी हमारे साथ जाती हुई है, तो पब्लिक इंटरेस्ट में वो रोके. तो आपने सोचना है कि ये जो रोका गया है कि जो लोग जिनके पास पैसे हैं, अगर कोई 50 लाख से ज़्यादा की प्रॉपर्टी ले रहा है, इसका मतलब है उसने 1 साल में 2 साल में 5 साल में इतने पैसे कमाए हैं, यानी हर साल 4 लाख से ज़्यादा कमाए हैं, ठीक है ना, 40 लाख अगर वो हर साल 4 लाख कमाया है उसने, तो 10 सालों में अगर 4 लाख ही सिर्फ उसने कमाया है, तो 10 साल में 40 लाख हो गए, 12 साल में 50 लाख हो गए तकरीबन. तो ऐसा तो नहीं है उसने एक ही साल में, हो सकता है 10 लाख 20 लाख 30 लाख कमाए, ये नहीं पता. तो उसको टैक्स रिटर्न फाइल तो करनी चाहिए थी. तो वो तो नॉन फाइलर है, 4 लाख से ज़्यादा भी कमाया है और प्रॉपर्टी भी ले रहा है जो बहुत लाखों की है, तो उसको कम से कम ये बताना चाहिए है. हो सकता है कि उसको माँ बाप से एकदम से पैसे मिल गए हों, प्राइस बॉन्ड जीते हों, लेकिन टैक्स फाइलिंग तो उसने करनी है. इसीलिए
आईन भी इस चीज की इजाजत देता है कि ये जो गवर्नमेंट ने अभी एक असूल वजह कर दिया कि जो लोग 50 लाख से ज्यादा का एक ही वक्त में जो है क्या कहते हैं प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन, तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, ये पैसा कहाँ से आया? तो उन्होंने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, फाइलर बनना है, और फाइलर बन के जो है कि कहते हैं हुकूमत को बताना है बिल्कुल के जायज़ पैसे हैं, और इसी उसी पैसे से जो बैंक में बेशक 1 करोड़ पड़े थे उसी 1 करोड़ से या 10 करोड़ से मैंने ये प्लाजा ये प्रॉपर्टी खरीदी। तो आईन भी इस बात की इजाज़त देता है कि अगर ज़्यादा लोगों का यानी कि यही हो रहा है ना कि लोग करप्शन से गलत तरीक़ों से ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा के ज़मीन खरीद रहे हैं, फिर उस पर घर बना रहे हैं, फिर उसके अंदर जो है ना बाकी लोग जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनको वहाँ नौकर रख रहे हैं और जो है ना लोगों पर जुल्म भी कर रहे हैं और शेखी भी मार रहे हैं कि जी ये देखो मेरा इतना बड़ा घर है, ये मेरा फार्म हाउस है, तो इससे तो इखलाकी तौर पर भी और हर लिहाज से जो है वो जो ईमानदार लोग हैं या जो इतना जो नाजायज़ नहीं कर रहे और कमा नहीं रहे इतना ज़्यादा उनका, तो उन लोगों को रोकने के लिए, और जाहिर बात है इसकी वजह से वो लोग जो जायज़ तरीके से भी लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे हैं उनको भी तकलीफ आएगी, लेकिन चूंकि वो फाइलर होंगे वो कहेंगे कि जी मैंने 1 अरब कमाया, ये मेरी 10 फैक्ट्रियाँ, इन 10 फैक्ट्रियों से मुझे इतना मुनाफा है, या ये इतने मेरे जो है ना आबाजाद ने मुझे पैसे दिए, तो वो लोग जो है ना फ़र्क उनको इतना नहीं पड़ेगा, थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन टैक्स रिटर्न उनको भी फाइल करना पड़ेगा, और वो लोग जिन्होंने नाजायज़ की है वो जब टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो पकड़े जाएंगे, और इसीलिए गवर्नमेंट ने किया है कि जब वो पकड़े जाएंगे चाहे वो 10 लोग हों तो जो है ना लोग फिर करप्शन करना बंद करेंगे। तो इस पर FBR ने अमल देना है, और आपको पता है कि ये अंग्रेज़ी में भी होता है, तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आईन इजाज़त दे रहा है इस पाबंदी का, इस पाबंदी के बहुत फ़ायदे हैं, और मज़ीद अगर आपने कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में भी हमसे पूछ सकते हैं। बेसिकली द कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 23 सेज दैट एवरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हैज़ द राइट टू बाय होल्ड एंड सेल प्रॉपर्टी इन एनी पार्ट ऑफ पाकिस्तान, दैट मीन्स दैट दे हैव नो रिस्ट्रिक्शन, बट subject to meaning that the restriction can be imposed by the constitution or by any law which will favor the public interest. That is why these people, that those that are earning more than 400,000 per year but still are not filing their tax returns, they are now being restricted from buying property. Because if they have, for example, 10 million rupees, where did they get that money? If it is white money generated from legal sources, they should file their tax returns and tell them there won't be any problem. But basically, the public interest is that people doing corruption by big houses, then employ honest people as servants and brag about that, this is our home and we are so rich and we are so powerful, give this impression. So everyone is under the law and the constitution gives the right. So the government has exercised this right that they have imposed on those people. Definitely good people, honest people will also be harassed a little bit, but still honest people also have to file their tax return. This is a national duty and this will increase the documentation of the economy. I hope you enjoyed this Tax Dosti reporting video. I am your Tax Dost and Tax Host Anthony Williams. आप देख रहे हैं कि हम खबर की बात करते हैं, कानून की बात कर रहे हैं, टैक्स लॉस की, और फिर आईन की बात करते हैं और एक लॉजिक से आपको समझाते हैं, और मैं हूँ आपका टैक्स दोस्त और टैक्स होस्ट एंथनी विलियम्स, और आपसे होगी कल मुलाकात। थैंक